बीते दिन झारखंड कांग्रेस में नई कमेटी का गठन होने के बाद जिला कमेटी से लेकर प्रदेश कमेटी में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जगह मिली है तो कई को जगह नहीं मिल पाई। इसको लेकर जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली है। वहीं प्रदेश कमेटी में जगह नहीं मिलने पर कई कार्यकर्ता काफी नाराज हैं और अलग अलग जगह अपनी बात रख रहे हैं, जिसको लेकर अनुशासन कमेटी द्वारा कार्यकर्ताओं को नसीहत दी गई है कि बेवजह का बयान देने से बचें, नहीं तो अनुशासन कमेटी कार्रवाई करने से नहीं रुकेगा। वहीं अनुशासन कमेटी के सदस्य अमोल नीरज खलखो ने कहा कि इन दिनों पार्टी ने बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। कई कार्यकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के विरुद्ध लिख रहे हैं, कमेटी के सदस्यों के खिलाफ लिख रहे हैं। ऐसे लोग उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखें। अगर कुछ लोगों ने अनुशासनहीनता की है, उन लोगों को अनुशासन कमेटी के द्वारा निर्देश दिया गया है, अपनी बात पार्टी फोरम पर रखें, नहीं तो कार्रवाई की जा सकती है। निश्चित रूप से जब कोई संगठन में बदलाव होता है तो विरोध भी होते हैं, ये स्वाभाविक है। और कांग्रेस पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है और विरोध से हमारा कोई विरोध नहीं है। हम तो इतना ही कहेंगे कि उचित फोरम में विरोध होना चाहिए, बातें आनी चाहिए। इन्हें को कोई इस बदलाव से कोई परेशानी है, तकलीफ है, इन्हें को सम्मान में ठोस लगा है, तो अपनी बातें पार्टी फोरम में रखनी चाहिए। अगर आप खुलेआम सोशल मीडिया में या अखबार के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं तो कहीं ना कहीं संगठन का संगठन के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आप सच्चे कांग्रेसी हैं, अगर कांग्रेस का आप हित चाहते हैं, तो आप उचित फोरम में अपनी बातें रखनी चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि पार्टी इन सब मुद्दों को लेकर गंभीर है, कमेटी का गठन हुआ है, कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, कार्यकर्ता अपनी बात पार्टी फोरम पर रखें, अनुशासनहीनता करने वाले कार्यकर्ताओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। अगर पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अगर उनको अपनी भावनाओं को प्रकट करना है तो स्वाभाविक तौर पर इसके लिए पार्टी ने प्लेटफॉर्म बना दिया है, वो अपनी भावनाओं को प्लेटफॉर्म पर आकर के रख सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी सुलभ हैं, हर कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता के साथ उनका आत्मीयता का एक संबंध है, हर कार्यकर्ताओं की वो बात भी सुनते हैं। तो हमें यह लगता है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को पहले फेसबुक या अन्य इलेक्ट्रॉनिक जगहों पर विरोध करने के पहले कम से कम एक बार पार्टी फोरम पर आके उनको बातचीत कर लेना चाहिए। और हमें लगता है कि संजीदगा के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी उनकी बातों को सुनेंगे और उनकी जो समस्याएं होगी उसको दूर करने के दिशा में भी प्रयास किया जाएगा। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि पार्टी में अनुशासनहीनता किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो लोग भी अनुशासनहीनता का काम करेंगे, स्वाभाविक तौर पे कल अनुशासन समिति की बैठक भी है, सारे मामलों को अनुशासन समिति संज्ञान लेगी और संज्ञान लेने के उपरांत उस पर निर्णय करेगी। तमाम अंतर विरोध के बीच मंगलवार को अनुशासन कमेटी की बैठक होगी जिसमें कई अहम फैसले लिए जाएंगे। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।